पूर्णिया शहर के गुलाबबाग में चोरों ने दिन दहाड़े बाइक की डिक्की तोड़कर 6 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। समूचा मामला सदर थाना क्षेत्र के गुंडा चौक गुलाबबाग के समीप की है। घटना के संबंध में गुलाबबाग चौक के रहने वाले प्रीत राजेश जायसवाल ने बताया कि वे अनाज की खरीद बिक्री करते हैं। शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे एक्सिस बैंक गुलाबबाग से मक्का के किसान को देने के लिए 6 लाख रुपए की निकासी कर अपने बाइक की डिक्की में रुपए रखकर घर आए। उन्हें किसान को रुपए देने के लिए नौगछिया के मदरोनी जाना था, इसलिए वे घर के आगे अपने शटर वाले दुकान में बाइक खरीद कर नहाने चले गए। उसी क्रम में मौका पाकर साथी चोरों ने उनकी बाइक की डिक्की तोड़कर 6 लाख रुपए निकाल लिया और फरार हो गया। जब कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकले तो देखा बाइक की डिक्की की लॉक टूटी हुई है और सारा रुपया गायब है। जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला तो उसमें चोरों की सारी वारदात कैद थी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 चोर आए और चंद मिनटों में ही बाइक की डिक्की तोड़कर रुपए लेकर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि गुलाबबाग तथा आसपास के इलाके में इन दिनों एक गिरोह सक्रिय है जो बैंक से ही लोगों का पीछा करते हैं और मौका पाकर रुपए लेकर भाग जाता है। इस तरह की घटना बराबर हो रही है। पूर्णिया में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, जिससे व्यापारी और आम लोग डरे समय हुए हैं। पूर्णिया पुलिस को जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या हुआ था घटना? एक्सिस बैंक से हम रुपया निकाले 6 लाख रुपया निकाल के हम जो है रुपया डिक्की में रखे। पहले हम पोलोथीन में पैसा रखे 6 लाख, उसके बाद डिक्की में काला एगो बैग था मेरा, उसमें डायरी उरी सब कुछ मेरा, उसमें हम पैसा रखे 6 लाख रुपया रख के हम घर गए। जिस इसके घर गए और सेटर दुकान जैसे होता है ना, उस तरह का सेटर लगा हुआ था, ठीक है। तो हम गाड़ी अंदर किए, अंदर करके हम चल गए घर। सोचते हमको निकलना था नौगछिया मदरौनी, मेरा घर मदरौनी भी है प्लस यहाँ भी है, ऑल टू परिवार मेरा यहाँ रहता है, माता पिता मेरे मदरौनी में रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा पानी जैसे ढाल रहे थे और तैसे हल्ला होना चालू हो गया गुनगुन, कि जैसे कोई आदमी उदमी घुसा ना घर, घर उर घुसा, उससे रूम घुसा, दुकान में घुसा, दुकान में जैसे घुसा ना तैसे जो मेरा भैया पहुँचे कि राजेश ने कुछ ऐसे से बात, कुछ गाड़ी उड़ी था क्या, जैसे हम निकले तो हम सोचे भाई गाड़ी है ये, देखते हैं डिक्की में पैसे देंगे। अच्छा, कहाँ की घटना है? यही गुलाबबाग गुंडा चौक पर। गुंडा चौक, कितना बजे की घटना है ये? करीब 3:15 में हम बैंक से निकले हुए थे। अच्छा, एक्सिस बैंक, जो 5-7 मिनट लगा होगा आने में। क्या कुछ पता चला? कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है? सीसीटीवी सब चीज फुटेज हुआ, उसका फेस सब आता है, उस पर एक्शन प्रशासन लेंगे तब ना। कितने लोग थे? और 2 बाइक से थे, 4 लोग थे वो लोग। अच्छा, जो कैमरा में जो दिखाई जो दे रहा है 4 आदमी। अच्छा। और सीसी फुटेज में बढ़िया फोटो भी आ रहा है, उसमें तो कोई एक्शन लेने वाला ही नहीं है। क्या लगता है रेकी करके चोरी किया गया है? क्या बोले सर? क्या लगता है आपका पीछा करते हुए चोरी को घटना को अंजाम दिया? हमको लगता है कि वहाँ से पीछा हुए करते हुए आए होंगे, और हम तो स्नान करते चेस्ट हम मदरौनी के लिए प्रस्थान होते। अच्छा, एन एच होते यहाँ से 7 किलोमीटर हम लोग का घर है मदरौनी चौक एन एच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार जायसवाल। काम क्या करते हैं? हम मक्का का बिजनेस करते हैं, गांव देहात से खरीद के लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, और किसान जो है अकाउंट में रुपया लेने के लिए नहीं चाहता है। अच्छा, बोलते हैं हमको नकदी ही चाहिए, इसके कारण जो मेरा सप्ताह में एक दिन हम आते हैं रुपया निकाल के 8 लाख 10 लाख रुपया लेके हम जाते थे। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।